पानी से मचा हाहाकार, जहां नजर दौड़ाओ सिर्फ पानी ही पानी, कमर तक पानी, गले तक पानी, कार डूबी, स्कूटी डूबी, डूबी लोकल ट्रेनें, रास्ते में फंस गई है लोगों की जाने, घर के अंदर पानी, घर के बाहर पानी, अस्पताल के अंदर है पानी, पानी ही पानी। ये हाल हम आपको बता रहे हैं एशिया की सबसे अमीर बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। अब इसके आगे और कुछ कहना बेईमानी होगा। मुंबई की ये डरावनी तस्वीरें देखिए, कैसे सड़कें समुंदर हो गई हैं, मानो मुंबई शहर के चारों तरफ फैले समुंदर ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। पूरे मुंबई की जान आज दांव पर लगी है, सड़कें लबालब भरी हुई हैं, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां पानी ना हो। मुंबई में पिछले 12 घंटे में 294 मिली मीटर बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग की माने तो साल 1974 के बाद, यानी जब से मौसम विभाग ने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है, अगस्त महीने में 24 घंटे में ये अब तक की सबसे भीषण बारिश है। अब भीषण बारिश ने अपने आगोश में लिया मंत्रियों को, यही नहीं, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे भी मुंबई में भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुए। वो बुधवार को ईस्टर्न फ्रीवे पर 3 घंटे तक फंसे रहे। दरअसल वह परली बीट से मुंबई में आयोजित एनसीपी के मंत्रियों की एक बैठक में शामिल होने के लिए निकले थे, हालांकि वह फंस गए, जिस वजह से वह बैठक में शामिल नहीं हो सके। बीएमसी की नाकामी से लोगों की जिंदगी आफत में पड़ गई है। आज मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई तो उद्धव ठाकरे ने बीएमसी को अलर्ट किया। इसके साथ ही महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों से भी अपील की है कि वे घरों से बेवजह ना निकलें, बहुत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। फिलहाल मुंबई और आसपास के प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन मुंबई का ये जलजला थमने का नाम नहीं ले रहा। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।